हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ 14 विराम चिन्ह का अभ्यास कर। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो समझाया था, एक्सप्लेन किया था, आज उसी का मैं यहाँ पर अभ्यास करवा रही हूँ और आप मेरे साथ साथ आप भी अपने बुक में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप मेरे साथ साथ अपने बुक को खोलिए और उस बुक में आप अभ्यास को खुद भी करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। थोड़ी देर रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर तो बताया था कि पूर्ण विराम कहाँ पर लगाते हैं, अल्प विराम कहाँ पर लगाते हैं और अर्ध विराम कहाँ। तो थोड़ी देर रुकने के लिए कहां पर रुकते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम का प्रश्न इसमें लगाते हैं। अल्प विराम यानी थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्लियर। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि प्रश्न पूछने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप बताइए इसमें और मेरे ख्याल से बॉ होगा, राइट। लोमड़ी भोजन की तलाश में यहां वहां घूम रही है। स्टूडेंट्स यहां देखोगे कि यहां और वहां में हमें कॉमा लगा रखा है, जबकि कॉमा के स्थान पर हमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग करना है ये आपको बताना है। वहां पर कॉमा नहीं लगा, यहां वहां उल्टा दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करती है, योजक चिन्ह। तो यहाँ पर क्या होगा, और सौ यानी योजक चिन्ह कौन सा है, सौ। यहाँ वहां में अब अल्प विराम की जगह पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर। घृणा शोक हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं वो किस चिन्ह में प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक यानी प्रश्नवाचक योजक विस्मयादि बोधक या पूर्ण विराम, तो विस्मयादि बोधक चिन्हों में। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, मिलान कीजिए मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें कहां पर दिया प्रश्नवाचक, यहां पर दिया है। पूर्ण विराम कहां है, विस्मयादि बोधक कहां है, ये राइट। उद्धरण चिन्ह ये और योजक चिन्ह। आपको चिन्हों के नाम और उसके चिन्ह को समझना होगा, आप उसे अच्छे से समझिए और फिर अपने आप से इस अभ्यास को करिए। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूं। दो आपने एक्सरसाइज की थी, अब मैं तीसरा एक्सरसाइज आपको बताना है। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह, उपयुक्त का मतलब सही ही, यानी कि आप सेंटेंस लिखे हुए, अब आपको इसमें क्या करना है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए रितेश, महेश, आदेश, निमेश तथा रवि मंदिर है। अब ऐसे बिना विराम ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन आपको वाक्य को क्लियर करना है, हमें बताना है कि सबके नाम है अलग अलग नाम, यानी कि रितेश, महेश, आदेश, निमेश तथा रवि मंदिर है। यहां पर वाक्य पूर्ण हो गया तो लास्ट में क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम, लेकिन इन सबके
आंवला लगाएंगे तो हम इनमें क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। यानी कि सबके नाम के आगे हमको अल्पविराम लगाना है ताकि यह स्पष्ट हो कि सबके नाम अलग अलग है। रितेश, महेश, आदेश, निमेश तथा रवि मंदिर आगे हमारा सेंटेंस कंप्लीट। क्लियर? अरे तुम कहाँ चले गए, अरे तुम कहाँ चले गए, कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं। अब हमको इसको क्या करना है, क्लियर करना है। अरे तुम कहाँ चले, प्रश्न पांच अच्छे। क्लियर? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या, इतनी धोबी बोला और कोई मिला करना नहीं, यहाँ पर कोई भाव या कोई अस्पष्टीकरण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, दुखी धोबी बोला। अब इसमें हमें पहले क्या करना है, दुखी धोबी, दुखी धोबी बोला अरे कोई मेरा कंधा ढूंढ दो। ठीक है, यानी कि दुखी धोबी बोला, यहां पर हम बोलेंगे दुखी, दुखी धोबी बोला, सॉरी यहां पर होगा दुखी धोबी बोला अरे कोई मेरा कंधा ढूंढ दो। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, यहां पर होगा अरे दुखी धोबी बोला, कॉमा यहां पर होगा, दुखी धोबी बोला अरे कोई मेरा कंधा ढूंढ दो। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फोर नंबर में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, कोई भाव नहीं, कोई अलग नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था कि जब किसी कही हुई बात को जीव करते हो लिखते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कॉमा जय जवान जय किसान। ओके, यानी जय जवान जय किसान किसका नारा था, लाल बहादुर शास्त्री जी का। क्लियर हो गया यहां पर? छी छी ऐसे गंदे स्थान पर तुम्हें नहीं आना चाहिए, यहां पर कोई भाव नहीं है। अब यहां पर कौन सा इसमें आपको चिन्ह लगाना है जिससे हमारे अंदर की भाव प्रकट होते हैं, हर्ष शोक घृणा प्रेम दुख आश्चर्य, तो किसमें आता है, पिछले आगे होगा, यानी कि छी छी आपको बताना है कि बहुत ही गंदी जगह है, छी छी ऐसे गंदे स्थान पर तुम्हें नहीं आना चाहिए, कोण मेरा। ठीक है, यहां पर हो गया प्यार होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छे से देखा, इस वीडियो को अच्छे से देखा समझा और इन सभी एक्सरसाइज को आपने अपने बुक में जरूर किया होगा, और आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और खुद अपने बुक में इसको करिए। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।